श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। एक डॉक्टर लोगों का जीवन बदल सकता है और बदलता ही है। ज्योतिष हर किसी का जीवन बदल सकता है। एक सर्जन को क्या ज़रूरत है अपना हाथ दिखाने की, क्योंकि वो तो बहुत सक्सेसफुल है। अगर सर्जन है तो सक्सेसफुल है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ पेच हो सकता है और हथेली हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास आ सकती है। ये भी जीवन की कुछ सरप्राइज कर देने वाली श्रृंखलाएं हैं और ये अनुभव बहुत अच्छे हैं और मित्रों के साथ बांट रहा हूँ। आइए देखते हैं, गुरु से स्टार्ट करते हैं। गुरु का पर्वत आकार में छोटा है और यहाँ पे डिज़ाइंस अच्छी हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस मैं इतनी अच्छी देख पा रहा हूँ। यहाँ पे एक टावर की डिज़ाइन बनी है, देखिए मैं उतने अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, मैं इसको और बड़ा करता हूँ। ये देखिए ये टावर की पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे टावर की लाइंस बन रही है। ये टावर एक स्थापना को दिखाता है। अगर हम थोड़ा सा और बड़ा करें तो यहाँ पे मछली क्या करती, बुलबुल बनी है। और इनकी जो विद्याएं हैं उसको स्थिर गुण देने के लिए ब्लॉक्स बने हैं, स्थापना बनी है। अब इनके गुरु ने तो इनको बहुत पावर दे रखा है, आकार में छोटे हैं। अब देखिए गुरु आकार में छोटे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डिप्रेशन है, बिल्कुल है। यहाँ पे केंद्र भाव में डिप्रेशन है। ये अगर टावर बना है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बहुत मैं अजीबोगरीब चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे एक शंख की आकृति बनी है जो कैल्शियम का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। ये डॉक्टर भी हैं तो हो सकता है ये अस्थि जो है हमारे शरीर में उससे जुड़े हों, अस्थि रोग विशेषज्ञ हों। और इनके जीवन में बहुत सारी स्थापनाएँ बाकी हैं होना। ये टावर अभी सक्रिय करना है, ये मछली को सक्रिय करना है, ज्ञान अकेडमी से ये धन कमाएंगे। इनकी मैं प्रोग्रेस लाइन भी देख लूँ, बिल्कुल सीधा, बहुत यंग एज से इन्होंने पैसा चालू किया है। और आप देखिए बड़ी अच्छी बनती है ऐसी। अगर प्रोग्रेस लाइन बन जाती है व्यक्ति के हाथ में तो क्या होता है कि ये पूरे आजीवन कंटिन्यू हो जाती है लाइफ लाइन से, जबकि लाइफ लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसी है। ये देखिए ये निकल गई है और अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो अब आजीवन, पूरा आजीवन है। प्रत्येक दिन जीवन के पैसा कमाएंगे, प्रत्येक दिन। मैं पहले भी अपने इस विवरण में एक वीडियो बना चुका हूँ कि जिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनका केतु बहुत अच्छा होता है और उनका मंगल पर्वत बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और उसमें सॉफ्ट स्किल्स में इनको क्या पराक्रम दिखाना होता है, दिमाग का पराक्रम। देखिए इनका मंगल, अब देखिए इनकी मछली, मंगल पे मछली है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और केतु का पर्वत, मछली बनी हुई है और यहाँ से एक लाइन देखिए विशेष निकल कर और मंगल से जुड़ रही है। ये डॉक्टर बनने की निशानी है, ये हर डॉक्टर के हाथ में होता है। केतु और मंगल का मेल बहुत गजब होता है। डॉक्टर बनने के और भी कुछ कारण हो सकते हैं हाथ में, लेकिन ये सबसे प्रबल होता है, ये होता ही होता है। अब किसी में नहीं हो तो एक वो हो सकता है, लेकिन ये दोनों प्रबल होंगे ही होंगे यदि जुड़े ना भी हों तो। चलिए अब देखते हैं इनको गुरु पे कुछ काम करना है। अब देखते हैं शनि पर्वत पे, अगर थोड़ा सा हम डीप में जाके देखते हैं तो हमको पूरा पर्वत दिखाई दे रहा, पूरा पर्वत बना है। देखिए पूरा स्तूप, जैसे अशोका का स्तूप है सांची में, वैसा बना हुआ है। ये तो हॉस्पिटल की श्रृंखला चलाने वाले व्यक्ति हैं। थोड़ा सा मुझे जो दिख रहा है वो मैं उतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनके हाथ में एक बहुत लंबी और पतली मछली बन रही है, बहुत लंबी और पतली। 300 करोड़ रुपए का काम कम से कम ऐसे व्यक्तियों को मिलता है।
बहुत बारीक मछली होती है, उसके उसका जो मछली का शरीर बहुत बारीक हो और पूंछ लंबी हो जाए। 300 करोड़ रुपए का काम मिलता है ऐसे लोगों को, और अगर उल्टी हो जाए तो 3,000 से ज़्यादा। वो फिर मीडिया के बड़े लोग होते हैं, यहाँ पे इनको काम करना दबा हुआ है। और फिर एक मछली अलग से बनी हुई है, अगर मछली भी चाहें तो मछली भी बना लीजिए। बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेस हैं, बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत लोहा है, बहुत फौलाद है, बहुत निर्माण है, बहुत श्रृंखलाएँ हैं, बहुत हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ट्रस्ट है, बहुत सारे रिसर्च सेंटर है। इन सब से इनको जुड़ने का वो मिलेगा लाभ। सूर्य का पर्वत देखिए, विस्तार देखिए जीवन में। एक तो बैठा हुआ है, बाकी और देख लेते हैं अंदर। सूर्य के पर्वत पे भी मछली बनी हुई है, सूर्य के पर्वत पे पावर देने के लिए बहुत सुंदर लाइन बनी हुई है। देखिए दो लाइन बहुत सुंदर बनी है, बहुत अच्छी लाइन बनी है। ये गाड़ी चलाने के निशान हो सकते हैं, ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं। ह्यूमर भी है इनमें, बहुत प्लेफुल काम करते हैं। एक चीज़ जो विशिष्ट इनमें बना रही है, ये हर काम को प्लेफुल करते हैं, कभी लोड नहीं लेते हैं। ये शायद ऑपरेशन भी करेंगे तो शायद राजेश खन्ना की गाना, उनकी फिल्म का कोई गाना लगा के और फिर ऑपरेशन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो सीरियसनेस है का जो साइन होता है वो मुझे दिख नहीं रहा है, वो नहीं है। तो भी गडल के रूप में उठा हुआ होता है, तो बहुत हाईली प्लेफुल व्यक्ति हैं, हाईली प्लेफुल। हर दिल अजीज़, ये बुद्धि का पर्वत है। बुद्धि कुशाग्र बुद्धि नहीं, व्यावसायिक बुद्धि जिसे हम धन कमाते हैं। लाइनें तो बेशुमार हैं, बेशुमार है, बेशुमार, चारों तरफ से धन है। ट्रायंगल की बात करें तो ऐसा भी बन जाएगा, ट्रायंगल की बात करें तो ऐसा भी बन जाएगा, ट्रायंगल की बात करें तो और भी तरीके से बन रहे हैं, और भी छोटी बड़ी। यहाँ एक तो यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल बन रहे हैं, बारीक देखेंगे और ज़्यादा दिखेगा। यहाँ से भी बन रहे हैं, बहुत बहुत यंग एज से इनको, बहुत यंग एज से पैसा मिला है जो दूसरे डॉक्टर को नहीं मिलता है। लकी हैं ये, इनका स्टार्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि पर्वत से ये सब पे लाभ मिल रहा है। एक तिल है यहाँ पे चंद्रमा पे, मन का नहीं हो पाता है थोड़ा सा कहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट भी आ रहा है, मन का नहीं हो पाता है। बाकी चंद्रमा उठे हुए हैं। देखिए ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ति बनाने के लिए हम पेडेस्ट्रियल बनाते हैं ना, पेडेस्ट्रियल, ऐसा इनका हाथ है। देखिए मैं इसे हरे कलर से बनाता हूँ, जैसा ये पेडेस्ट्रियल बना हुआ है, ये जैसे ये पेडेस्ट्रियल बना हुआ है। और फिर देखिए केतु पर्वत बने हैं, उसके उठ के चंद्र बने हैं, कितना बढ़िया है। शुक्र पर्वत, इनके सुख थोड़ा सा है, सुख में कमी है, क्योंकि जैसा ये चाह रहे हैं मन का वैसा हो नहीं रहा है। वो मैं पहले ही उनको यहाँ पे बता चुका हूँ। राहु का पर्वत इनका बहुत अच्छा है, सुख में कमी है, सुख को थोड़ा सा बढ़ाना है, इनको स्टेबल करना है माइंड को। मंगल वगैरह सब अच्छा है, राहु पर्वत बहुत अच्छा है। राहु की कुछ लाइन ज़रूर है डिस्टर्बिंग, जो डिस्टर्बिंग हो सकती है ये वाली जिसने इनकी माइंड लाइन को काटा है और इनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं ये, लेकिन वो एज अभी दूर है। नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, राहु की लाइन सीधी पहुंच रही है, सीधी पहुंच रही है बुद्धि के पर्वत पर। बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता, ये दूसरी लाइन भी पहुंच रही है। मैंने वहीं यहाँ पे स्थापना बता दी थी कि कोई एकेडमी वगैरह खोलेंगे, और ये शंख जो बना हुआ है हर पर्वत में, तो इनके प्रताप है, हर हर पर्वत में प्रताप है। आउटर मंगल बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं ज़रा लकीर देख लूँ, बिल्कुल बनी हुई है। ओ माय गॉड, यहाँ तो एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, और यहाँ से इसको छूती हुई लाइन, एक लाइन जो है राहु की वो ऊपर जा रही है। धन वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 300 करोड़ का काम मिलेगा इनको। बस जो है इनके मन का नहीं होगा, एक स्पॉट आ गया है यहाँ पे। अब जब किसी हाथ में इतनी सारी, अब एक तो सर्जन है, सब कुछ है, मनी ट्रायंगल वगैरह सब है बना हुआ है, लेकिन अभी अब जैसे विस्तार नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये दबा हुआ है। यहाँ पे भी रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि ये दबा हुआ है।
गुरु में, गुरु के एक्सपांशन में कुछ दिक्कत है, ये जितनी इनकम चाह रहे हैं उतना नहीं हो पा रहा है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? या शुक्र में थोड़ी सी कमी है, सुखों में कमी है, रीजनिंग पावर अच्छा है, देखिए यहाँ पे मछली कितना सारा, तो ये तो दिव्य हाथ है, ये दिव्य हाथ है, ये लक्ष्मी के योग बने हुए हैं, बहुत अच्छे, अपनी प्रॉपर्टी बेशुमार बनाएंगे, देखिए ये बना हुआ है ब्लॉक्स। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो जैसा विस्तार ये चाहते हैं वैसा हो, वैसा इनको मिल नहीं रहा है। उंगलियां वगैरह भी शानदार हैं, अब जैसा विस्तार इनको चाहिए वैसा मिल नहीं पा रहा है। धर्म कर्म वगैरह भी सब इनको मिलेगा। अब जो विस्तार नहीं, अगर हर जगह, जैसे अगर ये सारे पर्वत उठ जाएं, ये तीनों और ये चारों पर्वत उठ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा सुखी इंसान यही होंगे, सबसे ज़्यादा सुखी इंसान यही होंगे। बहुत चीज़ों को दिव्य तरीके से गढ़ा गया है इनके हाथ में, इनको भगवान पे धन्यवाद देना चाहिए, भोलेनाथ पे, कि सृष्टि की आप श्रेष्ठ रचना है। अब जो पर्वत का जो दबा हुआ है, जो काम करना है, जब इतने सारे पर्वत दबे हुए हैं, केवल दबे हुए हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं खास कटपिट है, कोई कटपिट नहीं है, कम्युनिकेशन वगैरह भी सब अच्छा है। हो, एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डेटोरेशन का स्टार्ट चालू हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक आइलैंड के लिए रेखा निकल चुकी है, ये निकल चुकी है, ये एक रेखा ऊपर से आ रही है पतली, ये स्टार्ट हो रहा है इनके डेटोरेशन का काम। अब इनके जो जीवन है, जो क्वालिटी है, वो ख़राब होगी, रिसोर्सेस कटेंगे, जितने हैं वो भी कटेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, ये लाइन बहुत ख़राब होती है ये वाली, हमको यहीं पता लगा लेना चाहिए, ये लाइन बहुत ख़राब है। ये होता है क्वालिटी में, जब जब कोई भी ग्रह ख़राब होता है, कोई भी माउंट ख़राब होता है, तो सबसे पहले उसकी ऊपर, ये जो पहली पहली, ये सब चेक करते रहना चाहिए, ये सब चेक करते रहना चाहिए, ऊपर ऊपर की लाइन, कहीं कोई फॉर्मेशन उल्टा सीधा नहीं। इनको मैं गुरु का उपाय दे रहा हूँ, और वो एक साइकिल के पंप जैसा काम करेगा, सब टायरों को फुला देगा, सारे ग्रहों को फुला देगा, इनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सिद्ध करें हनुमान। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।